होगा। अरे भाई दो मुख्यमंत्रियों को दे दो चार, जिससे ये तो अपना काम करने लग जाए, मुख्यमंत्री को छोड़ ही नहीं रहे। जहां भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वहां भी साथ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं, और जाए भी क्यों नहीं, इनको कुछ दिया भी नहीं अभी तक, इनको नाम दे दिया उप मुख्यमंत्री का और दिया कुछ है नहीं, विभाग दे दो मेरे भाइयों। और इस सरकार, जब राजस्थान की जनता ने आपको सरांखों पे बिठा करके राजस्थान में सरकार चलाने का 5 साल का समय दिया है, तो ये 20-25 दिन तो गुजर गए भैया आपके, अब तो धरातल के ऊपर काम करना चालू करो। रोजाना सुन रहे हैं हम, रोजाना सुन रहे हैं 100 दिन की कार्य योजना बन रही है, ये 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में ही निकल जाएंगे, तो फिर तो इनको 365 दिन की कार्य योजना की बात करनी चाहिए। 100 दिन में ये कार्य योजना नहीं बना पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बार घोषणा की थी कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं हुआ, आप मेरे को सही मान लेना, इनकी 100 दिन में कोई कार्य योजना नहीं बनेगी। धरातल पे आना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री जी से भी मैं, आप बाहर कैसे चले गए, आप अंदर कैसे आ गए, इन छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर 148 सांसदों को देश की सर्वोच्च लोकतंत्र की पवित्र मंदिर से बाहर निकालना, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। अगर अब भी हम नहीं चेते, अब भी अगर हम नहीं बोले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके जो इशारे दिखा रहे हैं वो ये है कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे। कोई जनप्रतिनिधि बनकर के लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभाओं में नहीं जा सकेगा। आज हर कोई भयग्रस्त है पूरी तरीके से। आप देखिए कि बाहर बैठे हुए भी इनको नहीं सुहा रहे हैं, बाहर बैठे हुए सड़क के ऊपर भी नहीं बैठ सकते आप,